पूरा कंधे से कंधा मिला करके साइकिल ऑफिस तक और इन्हें हार सताएगी। तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। लाल है कि नहीं है और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? ये सिर्फ भीड़ नहीं, ये जनता का विश्वास है। ये लाल रंग की दिख रही टोपी सिर्फ टोपी नहीं है, ये भरोसे का प्रतीक है, जनता का अपने नेता के प्रति। ये संकेत है बदलाव के, ये संकेत है समाजवादी के प्रति जनता के अटूट विश्वास की, जिसके दम पर अखिलेश ने आज बीजेपी को चुनौती दी है। ये बता दिया कि ये ऐतिहासिक रैली बीजेपी की ऐतिहासिक हार की गवाह बनेगी। ये ऐतिहासिक रैली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। ऐतिहासिक हार होगी। बताओ, सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? लाल रंग को संकट बताने वाले बीजेपी के मठाधीशों को आज अखिलेश ने लाल रंग का ऐसा मतलब समझाया कि इसके बाद बीजेपी नेताओं को छुपाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ जाएगा। अखिलेश ने बता दिया लाल रंग से बीजेपी क्यों डर रही है, क्यों लाल रंग को खतरे का निशान बता रही है। और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? इन्होंने तो वादा किया था कि सांड पकड़ लेंगे। बताओ, सांड कहां पकड़ पाए ये? बहरहाल संकट तो है, खतरे की घड़ी तो आ गई है। तभी तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव सभी दलों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, सभी के सम्मान की बात कर रहे हैं, ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई साथी न दिखा तो दिल्ली में अपनी पिछलग्गू एजेंसियों को समाजवादी पार्टी के पीछे लगा दिया। सच ही तो कह रहे हैं अखिलेश कि उत्तर प्रदेश में जब कोई नहीं मिला तो दिल्ली से अपने घटक दलों को भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं, उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। इसे डर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये हार से पहले की हताशा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चाचा भतीजे की जोड़ी का कमाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चाचा भतीजे के नाम पर तंज कसने वालों को चाचा भतीजे के साथ आने से ऐसा डर लगा कि बीजेपी सुधबुद खो बैठी। ये मैनपुरी की रैली है, केवल मैनपुरी के लोग हैं या बाहर के लोग नहीं है। ये ऐतिहासिक रैली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। ऐतिहासिक हार होगी। बताओ, सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अब तो आपके साथ ये ओमप्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। हमारी और आपकी टोपी का रंग है लाल। और जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को तो हो रहा होगा लाल और पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान है, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो
अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली स्कूल में। उन्हें भी साथ ले लिया और जैसे ही पार्टी उनकी साथ ली तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं, उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। तभी तो अखिलेश कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया, और बीजेपी की डर उसकी हार का संकेत है। हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। ये हार के ही तो संकेत हैं कि एक तरफ जहां अखिलेश इकलौते रथ यात्रा लेकर प्रदेश में निकले हैं जिसमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को अखिलेश का पीछा करने के लिए रथ यात्रा पर दौड़ा दिया, लेकिन अफसोस कि अखिलेश की बराबरी बीजेपी के तमाम मंत्री मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जब से रथ चला है और जब से जनता ने समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट होने लगी है, घबराहट। और उस घबराहट का परिणाम देखिए, आपके रथ के मुकाबले 6 रथ चल रहे हैं, आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाल टोपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम हर रंग को साथ ला रहे हैं, हम हर रंग को साथ ला करके एक गुलदस्ता बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबका हक है, सबका सम्मान है। ये ओमप्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। ये डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है, ये भी चाहती है कि जाति जनगणना हो। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं कि जैसे पहले काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बहरहाल ये लाल रंग बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ये दिख रही इस भीड़ इस बात का संकेत है कि बीजेपी की विदाई निश्चित है। ये लाल रंग की टोपी पहने युवा तैयार हैं 22 में वोट की चोट से बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। तभी तो अखिलेश दावा कर रहे हैं युवाओं ने है ठाना, समाजवादी पार्टी को है जिताना।